डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको 2019 पार्ट वन परीक्षा के बची हुई परीक्षाओं यानी जो सब्सिडरी और कंपोजिशन की परीक्षा है उसका मैं रूटीन आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका बहुत डिमांड आ रहा था स्टूडेंट की तरफ से, रूटीन को लेकर खासतौर से कंपोजिशन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं एकदम क्लियरली इसको समझा दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 2019 पार्ट वन के ऑनर्स सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। आपके जो ऑनर्स के दो पेपर्स थे, पेपर वन एंड पेपर टू, उसकी परीक्षाएं आज 15 नवंबर को ख़त्म हो गई। अब कल 16 एक दिन गैप देकर 17 नवंबर से 27 नवंबर तक सब्सिडरी और कंपोजिशन सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं होंगी। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से एक बार समझ लीजिए इसको, वीडियो को। सबसे पहले बता दूँ कि सब्सिडरी की जो दो पेपर होते हैं प्रत्येक स्टूडेंट का, तो वो एक पेपर अलग अलग रहता है, मतलब उसमें आपका दो सब्सिडरी सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। तो उसमें सब्जेक्ट और उसके सामने डेट और ऊपर सीटिंग देखकर आप आसानी से रूटीन में अपना समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बता दें, सबसे ऊपर 17/11/2021 को जो परीक्षा है, फर्स्ट सीटिंग में देखिए लिखा है ज्योग्राफी और सेकेंड सीटिंग में लिखा है ऊपर बोटनी। यानी जिनका भी अगर ज्योग्राफी सब्सिडरी में है, बोटनी सब्सिडरी में है, तो 17 को उनका फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में पेपर है। इसी तरह उसके नीचे फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग म्यूजिक लिखा है, तो वो इस तरह से समझ सकते हैं आप। ये जो पेपर 1, 2, 3, 4 दिया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। पार्ट वन की ये परीक्षा है, आप पार्ट वन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप सब्सिडरी है तो बस इसमें से विषय देख लेना है, विषय के पहले डेट देख लेना है और ऊपर में सीटिंग देख लेना है, आपको किस डेट को किस सीटिंग में आपका विषय है, बस यही मिला लेना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 18 को फिजिक्स है फर्स्ट सीटिंग में, सेकेंड को सीटिंग में फिलोसफी है, 20 को फिर इकोनॉमिक्स है और साइकोलॉजी है सेकेंड सीटिंग में, उसके बाद से 22 को सोशोलॉजी है, बिजनेस मैनेजमेंट यानी बीकॉम वालों का एक पेपर है और जूलॉजी है सेकेंड सीटिंग में, 23 को हिस्ट्री है फर्स्ट सीटिंग में और सेकेंड सीटिंग में लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इसका आपको ध्यान रखना है ये खास तौर से कि जिनका भी सब्सिडरी में 100 नंबर का हिंदी या 100 नंबर का इंग्लिश या 100 नंबर का उर्दू है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सब्सिडरी, हम कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे, कंपोजिशन बाद में आता है, इससे सब्सिडरी में अगर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सब्सिडरी में आपका हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश या अन्य कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो 23 को सेकेंड सीटिंग में आपका पेपर होगा। कंफर्म लैंग्वेज पेपर आपका सब्सिडरी में अगर है, यानी भाषा का कोई पेपर है, किसी भी भाषा का सब्सिडरी लिए हैं, तो 23 को सेकेंड सीटिंग में उसका पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं, 24 को बिजनेस इकोनॉमिक्स होम साइंस है फर्स्ट सीटिंग में, पॉलिटिकल साइंस है सेकेंड सीटिंग में, 25 को मैथमेटिक्स है फर्स्ट सीटिंग में, केमिस्ट्री है सेकेंड सीटिंग में, 26 को, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, 26 और 27 के जो पेपर हैं वो कन्फ्यूजिंग करते हैं, उसी में आप लोग कन्फ्यूजन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 26 को नॉन हिंदी कंपोजिशन फर्स्ट सीटिंग में आर्ट्स के लिए है, यहाँ भी ध्यान देना है नीचे ब्रैकेट में कि आर्ट्स है कि साइंस है, क्योंकि नॉन हिंदी कंपोजिशन दो जगह है, हिंदी कंपोजिशन भी दो जगह लिखा हुआ है, एक फर्स्ट सीटिंग में एक सेकेंड सीटिंग में, तो उसके वो आर्ट्स और साइंस के लिए अलग अलग होता है। तो एक बार फिर से अच्छे से समझिए, देखिए 26 तारीख को आर्ट्स और साइंस वालों का 50-50 नंबर का पेपर है, यानी आपका अगर 50-50 है, ठीक है, यानी 50-50 नंबर का पेपर है कंपोजिशन में, वहाँ पे नॉन हिंदी कंपोजिशन लिखा होगा, 50 नंबर हिंदी इंग्लिश या 50 नंबर हिंदी उर्दू या 50 नंबर इंग्लिश उर्दू, जो भी हो 50-50 है, तो आर्ट्स वाले का फर्स्ट सीटिंग में 26 को, यानी 50-50 पेपर है कंपोजिशन का, तो 26 को फर्स्ट सीटिंग वन में आर्ट्स वाले देंगे और साइंस कॉमर्स वाले सेकंड सीटिंग में देंगे। उसके बाद अगर आपका 100 नंबर का कंपोजिशन है, ठीक है, 100 नंबर का कंपोजिशन है, तो सबसे अंतिम दिन 27 तारीख को साइंस और कॉमर्स वाले फर्स्ट सीटिंग में देंगे और आर्ट्स वाले सेकंड सीटिंग में देंगे। थोड़ा सा यहाँ क्रॉस कर दिया है लोग, उल्टा कर दिया है लोग, एक बार फिर समझ लीजिए, आपका अगर 50-50 का पेपर है कंपोजिशन में और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट सीटिंग 26 को 27 और सेकेंड सीटिंग साइंस वाले, एक बार फिर से ध्यान दो, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं 50-50 है, तो 26 को फर्स्ट सीटिंग में, साइंस के हैं तो 24 को सेकंड सीटिंग में, और 100 नंबर का कंपोजिशन है तो 27 को
साइंस वाले हैं फर्स्ट सिटिंग में, आर्ट्स वाले हैं सेकंड सिटिंग में, मतलब क्लियरली दो चार बार आप रूटीन को देखिएगा, दो चार बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, एकदम 100% आप समझ जाइएगा। आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बिना समझे और बिना प्रयास करे आप लोग बस सवाल पूछ देते हैं या कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। जो भी चीज़ लिखा हुआ है आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ उसको 10 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 10 बार पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। आप लोग कमी यही कर देते हैं अपनी पढ़ाई के साथ कि आप लोग एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो पढ़ाई इतना आसान चीज़ नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, अगर एक बार में समझ में आ जाता तो पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं रहता फिर। तो ये नियम है पढ़ाई का कि आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए तब समझ में आएगा वो, लेकिन आप लोग ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एक बार पढ़ने के बाद एक बार सवाल हल नहीं होता है आप छोड़ देते हैं, इसीलिए आपकी पढ़ाई कमज़ोर हो जाती है। तो बार बार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। रश्रि आवत जाते शिल्पे पड़त निशान, इस कहावत को याद रखिए, बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो इस रूटीन में मैंने सारा कुछ क्लियर बताया है, अभी कोई डाउट हो तो आप फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। माई सेल्फ अमित गौतम सर आप सबको सब्सिडरी और कंपोजिशन एग्जाम के लिए शुभकामनाएँ देते हैं, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।